Assalamu alaikum friends. So, aaj ka jo lecture hai that is about work problems regarding volume and surface area. Theek hai, wo bhi real life ke hisab se. Hum kehte hai na ke maths kaam pe yaar hoti hai. Ye bas plus minus hota hai, multiplication division. Ye mujhse bhi question hote hai, mere ghar wale karte question mujhse. Theek hai, koi aur kare to masla nahi hai. Mere ghar wale question karte hai yaar to bahut bada dukh hota hai yaar, aisa nahi hota. Aur unko main samjhata hu ke yaar yahi problem hi to hamare paas hai. Aur वो लेने जाते हैं उनको पता नहीं है क्या, बस वो कहता है कि यार ये इसमें इसमें है, बस मसला नहीं है, ये प्लस माइनस है. बट ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास हैं, ठीक है ना. देखें यहां पे जो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वुडन क्यूबॉइड. देखें फाइंड अ कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ क्या रहा है हमसे, कॉस्ट पूछ रहा है. मीन्स कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, अ वुडन क्यूबॉइड. अब हमारे पास क्या है, ये है क्यूबॉइड है, ये भी याद रखना है आपने. एट द रेट ऑफ, रेट ऑफ आर एस 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है 50 मीटर स्क्वायर. इफ डायमेंशंस आर 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. इस यहां पे जो रेट दे रहा है ना 50, वो मतलब एक मीटर का. अब कोई मिसाल के तौर पे, क्योंकि हमारे पास क्यूबॉइड है, मैं उसकी लेंथ ऐसे कर देता हूं, ठीक है. देखें अगर एक फर्स्ट सपोज, अगर ये क्यूबॉइड है, यहां से लेकर अगर एक मीटर है ना, इसका जो इसकी जो प्राइस है दैट इज 50 रुपीज, ठीक है ना. 50 रुपीज आर 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. ये ऐसे कर दें पर वन मीटर स्क्वायर, ठीक है. इफ, अब आगे इफ लगा दें. अब देखें एक मीटर की 50 है तो पूरे की क्या होगी, अगर है क्यूबॉइड, वो है क्यूबॉइड वो, तो हम लोग क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं. अगर क्यूबाइड है तो उसका सरफेस एरिया फाइंड करें या वॉल्यूम फाइंड करें. तो भाई बात सुने, वो आपसे पूछ रहा है कि पैसे कितने हैं. जब ऐसी बात आ जाए, जब जहां पे हमारी बात, जहां पे सोचने की जरूरत पड़े, तो वहां पे हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. हाँ, सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. तो देखे कोस ये है क्यूबाइड और आर एस वो है, ठीक है ना. आर एस यहां मैं आर एस अगर लिख दू, आर एस पर मीटर लिख दूं, पर मीटर इज इक्वल टू कितना हमारे पास 50 रुपीज है. तो देखें डायमेंशन आर, डायमेंशन में मिली हुई है, डायमेंशन मिली. यहां पे ये भी नहीं मिला कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है. तो आप खुद सोचें, जो बड़ी है उसको आप लेंथ ले लें, जो उससे कम है थोड़ी उसको आप ब्रेथ ले लें, और जो ये है वो हमारी हाइट हो जाएगी. तो देखें जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, वो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ये हमारे पास क्या है, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है. ये सरफेस एरिया ऑफ है. इस कंडीशन में हम सरफेस एरिया लगाते हैं, इस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम का नहीं लगेगा. वॉल्यूम हमारी कैपेसिटी होती है, क्या होती है, वॉल्यूम हमारा कैपेसिटी होती है. जो भी बर्तन हो, कुछ भी हो, पॉट, कोई भी पॉट हो, एनी टाइप ऑफ पार्ट, उसकी जो कैपेसिटी होती है, मतलब पानी मिसाल के तौर पर डालते हैं तो वो वॉल्यूम में इंक्लूड होता है. हाँ, ये जो होता है एरिया में, एरिया सरफेस एरिया मतलब उसमें पूरा कितना पड़ रहा है, ठीक है ना. वो जो हमारा ऐसे शेप होती है ना, जैसे ये लेग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पूरा क्या आएगा, हमारा सरफेस एरिया होता है. तो ये फाइन करके हमें पता चलता है. तो देखें 2 इंटू लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 है. 6 इंटू 5 ब्रेड 5 है, और ब्रेड इंटू क्या हमारे पास कितनी है, 5 इंटू हाइट कितनी, 4 है, और प्लस है फिर हाइट कितनी हमारे पास, 4 है, इंटू लेंथ जो है दैट इज अगेन 6, ठीक है, इंटू कितना हुआ हमारे पास 30, ये प्लस कितना हुआ, ये हमारे पास 20 हुआ, ये प्लस कितना हुआ 24 हो गया. अब देखें ये 30, ये प्लस 20 कितना हुआ, 30 प्लस 20 50, ये कितना हुआ 74, ये 74 हो गया. और ये कितना हुआ हमारे पास, देखें 8 एंड 148. अब 148 मीटर स्क्वायर है, किसमें है, हाँ मीटर स्क्वायर है, एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में मिल गया है. अब ये भाई सरफेस एरिया मिला है, यहां तक आपके पास अगर क्वेश्चन में आंसर आए 140 मीटर स्क्वायर है, दूसरा आपके पास कोई भी और आ जाए, लेट ये आ जाए आपके पास मीटर स्क्वायर है, और दूसरा आ जाए 70 रुपीज, इतने रुपीज आ जाए, 7400 रुपीज आपके पास आ जाए, तो आपने यहां पर नहीं रुकना, आपने यहां पर नहीं रुकना, आपने यहां पर रुकना है. देखें ये कितने हैं, ये 148 मीटर हैं, पूरे कितने हैं वहां पे 148 मीटर हैं क्यूबॉइड में. बट वो आरएस पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है. एक मीटर की कॉस्ट अगर वो है तो क्या करते हैं हम, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. तो 148 इंटू मल्टीप्लाई क्या करें, या
50 करेंगे, जब ये आप कर लेंगे तो आपके पास जो प्राइस आएगी, जो हमारे पास जो प्राइस आएगी दैट विल बी 7400 RS, ठीक है, रुपीज आएंगे आपके पास, रुपीज आएंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा, जिस जितना ही एरिया है उसका क्यूबाइड का, उसकी आप लोगों को प्राइस मिल जाएगी। अब देखें यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 मीटर। देखिए यहां पे ना ही उन्होंने क्यूबाइड दिया है ना ही क्यूब दिया है, ये आप लोगों ने पहचानना है। यहां पे ट्रिक सब कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्यूब और क्यूबाइड में कैसे फाइंड करेंगे वो एरिया, उस लोग का मतलब क्यूब का एरिया है, या मिसाल अगर फार्मूला आ जाए तो कैसे फाइंड करें, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन आ जाए लेटर, आप खुद सोचे कैसा क्वेश्चन है, आप कैसे फाइंड करेंगे। देखें यहां पे कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कैपेसिटी। अब कैपेसिटी से मालूम होता है कि हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम किसका वो भी नहीं दिया हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, रिकॉल कराऊं, ये क्यूब है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। जो क्यूब का वॉल्यूम था मैंने आप लोगों को ये बताया था, जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो सिर्फ एल क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि क्यूब की जो सारी साइड होती है ना, वो हाइट लेंथ ब्रेथ जो होती है वो सेम होती है, इसलिए एल क्यूब होता है। अब बात आ गई क्यूबाइड की। अब क्यूबाइड में क्या होता है, इसमें सेम नहीं होता, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है। इसमें भी वही बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ही है, मगर इन ये तीनों बराबर होते हैं, इसलिए ये इनको लेंथ, ये भी लेंथ करा दे के, तो लेंथ इनटू लेंथ इज इक्वल टू क्या कर दिया इन्होंने, लेंथ क्यूब कर दिया। ये भी सेम है बट ये क्या है, अलग अलग है, इनकी लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसलिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट है। अब देखें आप खुद ही पहचाने, ये लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट है, इसका मतलब हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो चाहिए क्यूबॉइड की, क्योंकि डिफरेंट है, यहां पे डिफरेंट नहीं है। अगर कहता सिर्फ 6 सेंटीमीटर देते वहां पे कि कैपेसिटी फाइंड करनी होती है वाटर की, एक टैंक है उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी होती, फिर कहता कि सिर्फ 6 सेंटीमीटर देता तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता, क्यूब की जो हमारे पास कैपेसिटी होती वो क्यूब की फाइंड करनी पड़ती, क्योंकि तीनों साइड्स जो है उसकी सेम है। अब यहां पे तीनों साइड डिफरेंट है तो हम ये लगाएंगे, ये समझ लें आप। आपको क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को समझना है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना। देखें अब अगर मैं फाइंड करूं, देखिए कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपने इस क्वेश्चन से पहले जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वहां पर आप लोगों को बताया कि सरफेस एरिया की जब किसी की कॉस्ट फाइंड करनी हो तो सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। अब यहां पे कैपेसिटी आई है, कैपेसिटी मतलब उस पॉट में, उस बर्तन में, उस टैंक में कितना, कितनी कुछ चीज आ सकती है। अगर वाटर कह रहे तो कितना वाटर आएगा, अगर हनी कह रहे तो हनी कितना आएगा, उसमें कैपेसिटी की बात कर रही है, ठीक है। देखें अब ये हमारे पास आ गया। अब बात आई कि क्यूबाइड का जो फार्मूला क्या है, वो तो मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो देखें लेंथ हमारे पास, इसको आप जो बड़ी वैल्यू है ना, इसको आप क्या करते हैं, लेंथ लिख दें, जो उससे छोटी है उसको आप कहते हैं ब्रेथ होती है, और जो हमारे पास लास्ट वन होती है दैट इज हाइट, ठीक। देखें अब लेंथ जो है दैट इज 6 सेंटीमीटर और 5 क्या है हमारे पास ब्रेथ है, तो ये 5 हो गई, और हाइट जो है दैट इज 3 मीटर। तो कितना होता है, देखें अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना होता है, 30 इंटू 3 क्या होता है, 90। तो 90 मैं क्या दूं, वहां पे हमारे पास यूनिट भी होता है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यूज में ऐसा ही आता है कि यूनिट चेंज दे देते हैं वो। अब 30 पहली बात तो वो मीटर में दिया गया है, और दूसरी बात की गई क्यूबाइड की, मतलब क्यूब मतलब वॉल्यूम, क्यूबाइड की बात की गई और वॉल्यूम की बात की गई, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज क्यूब में। अब क्या है वहां पे मीटर है, तो मीटर क्यूब आएगा। अगर वहां पे 90 मीटर क्यूब हो, 90 मीटर स्क्वायर हो, और 90 सेंटीमीटर क्यूब भी हो, तो आप कौन सा टिक करेंगे, आपने सिर्फ 90 अगर आपका आंसर आया, आप भूल गए यूनिट क्या है, आप भूल गए कि यूनिट क्या है, तो आप लोगों ने यह भी देखना है कि यूनिट यहां पे अगर सेम है, ऐसा नहीं आपने बस नजर डाली 90 है ठक उस पे दे दिया, मतलब क्लिक कर दिया, ऐसा कभी नहीं आएगा। आप देखें अगर 90 है, गौर से देखें कि सेंटीमीटर में है, जो गिवन है उसी में आप देखें, अगर इसका वॉल्यूम 90 आ रहा है तो मीटर क्यूब आएगा वहां पे, जो मीटर है, तो यहां पे सेंटीमीटर भी नहीं करना आपने और ना ही मीटर स्क्वायर करना है, तो क्या करना है हमें, 90 मीटर
क्यूब करना है, जो हमारे पास ये है। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम था। ओके गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह वो कोई और टॉपिक होगा जो आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग वीडियो देखेंगे। ओके गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।